हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। मैं मेगा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं को और पुरुष को दोनों में से किसी को भी हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन होने के दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। अगर वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लेती हैं तो उनको ये समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। साथ ही साथ अपने जो आपकी प्राइवेट पार्ट है उसकी सफाई आप अच्छे से नहीं करते हैं तब भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अधिक यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। पीरियड के समय भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में दोस्तों क्या होता है कि आपको जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द होता है। टॉयलेट बार बार आता है लेकिन टॉयलेट आप देखते हैं कि अच्छे से नहीं आ पाता है। टॉयलेट करने के बाद आपको बहुत अधिक जलन होती है। पेट के जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द के कारण कभी कभी बुखार और उल्टी जैसी समस्या भी हो जाती है। तो यूरिन इन्फेक्शन होना जितना आम है आपको पता भी नहीं चलता है, और एकदम से आपको लगेगा कि आपको टॉयलेट करते हुए जलन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। तो यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। इसके लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जा सकते हैं? दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं और उससे आपको काफ़ी आराम भी मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको टॉयलेट अच्छे से खुलकर नहीं आ रहा है और जब भी आप टॉयलेट जाते हैं आपको बहुत अधिक जलन हो रही है, तो एक तो अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से पानी से धोएं और गर्म पानी पिएं बार बार। जितना गर्म पानी आप पियेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉयलेट खुलकर आएगा और आपका जो यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों इलायची। इलायची का सेवन करने से दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी आराम मिलता है। आप क्या करें, बड़ी वाली इलायची जो आती है उसको खोलकर उसके दाने निकाल लें और उसका पाउडर मिलाकर या तो पानी के साथ ले लें, गुनगुने पानी के साथ उसको ले लीजिए, या आप उसको दूध में पकाकर भी ले सकते हैं। इसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है और ये यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ही फायदा करती है। आंवला और धनिया दोनों ही यूरिन इन्फेक्शन के लिए दोस्तों रामबाण उपाय माने जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आंवले का जूस बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो आपको 50 ग्राम आंवले का जूस लेना है, उसमें 30 ग्राम आपको शहद मिलाना है। अच्छे से मिक्स कीजिए और दिन में 3 बार पी लीजिए। इतना नहीं पी सकते हैं तो 2 चम्मच इसमें आंवले का जूस डालिए, 2 ढक्कन, और 2 चम्मच शहद मिलाइए, दिन में 3 बार पी लीजिए। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। धनिया, साबुत धनिया आपको लेना है, रात में 2 चम्मच धनिया भिगो दीजिए, सुबह को छान कर इसको पी लीजिए। चाहे तो दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा मिश्री डाल सकते हैं, इसमें आप शहद डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें आंवले का रस भी डाल सकते हैं। दोस्तों, धनिया यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। और आप चाहें तो दोस्तों आंवले का चून और धनिए का जो साबुत धनिया होता है उसको रात को दोनों को 1-1 चम्मच ग्लास में भिगो दें और सुबह उठकर छानकर इसको पी लीजिए। दोस्तों, आंवला और धनिया दोनों ही चीज़ें बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने में। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो आपको एक एंटीबायोटिक देंगे। और दोस्तों, एक एल्कोसोल आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन को समय से ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानी की। जब भी आप टॉयलेट जाएं, पब्लिक टॉयलेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप स्प्रे अपने साथ रखते हैं, अगर आपको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, तो हमेशा क्लीन करके, या फिर आजकल दोस्तों टिश्यू पेपर चलते हैं जो पब्लिक टॉयलेट पर बिछाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी उसका इस्तेमाल कीजिए। पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, पानी हमेशा अच्छी मात्रा में पिए, और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत होने पर तुरंत गर्म पानी का पीना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थैंक यू, नमस्कार।